प्रातः क्लास चल रहा था 30/11/1967, तीसरे पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी। दुनिया तो दो ही है, पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में कौन पाप करते हैं? स्त्रियां ज्यादा पाप करती हैं, कन्याएं माताएं ज्यादा पाप करती हैं, या पुरुष ज्यादा पाप करते हैं? जिनको पुरुषपने की इंद्रिय का भान है वो ही बहुत पाप करते हैं। जिनको उसे इंद्रिय का भान ही नहीं है, है? वो इंद्रिय है ही नहीं, मारा मारी करने वाली, तो उनको भान भी कहां से होगा? तो वो कन्याएं माताएं जो हैं उनके लिए बताया कि वो स्वर्ग के द्वार खोलती हैं, वो है पुण्यात्माओं की दुनिया। पुण्यात्माओं की दुनिया और पापात्माओं की दुनिया। पुण्यात्माओं की दुनिया बनाते हैं उन कन्याओं माताओं के संगठन के द्वारा, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है 16,000 कन्या माताओं का संगठन रूपी माला बनाई। तो दो दुनिया हो गई और दो दुनिया गाई जाती है, सुखदाम और दुखदाम। तो देखो, जब दुख की दुनिया आती है तो कितना चिल्लाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, है? कौन? पुरुष ही ज्यादा दुखी होते हैं कि कन्या माताएं भी दुखी होती हैं? है? कन्या माताएं ज्यादा दुखी होती हैं और पुरुष तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति है पुरुषों में, दुखधाम में। तो पुरुष के रूप में जब तक है आत्मा, पुरुष का चोला लिया हुआ है, तो उतना नहीं रोएंगे। परंतु सारा जीवन पुरुषों ने जो सुख लिया है वो किसके आधार पर लिया है? सुख देह के आधार पर मिलता है ना। तो पुरुषों ने सुख लिया है एंटीसेक्स कन्या माताओं के थ्रू, तो सारा जीवन जहां से सुख लिया है वो याद आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, वो अंग याद आता है, अंतमते सुगति हो जाती है। तो अगला जन्म जाकर के फिर वो स्त्री चोला मिलता है तो दुखी होते हैं कि नहीं? फिर हिसाब किताब पूरा करेंगे कि नहीं? हाँ, हिसाब किताब पूरा होता है। तो देखो, जब बहुत दुखी होते हैं, दुख बढ़ता ही जाता है, तो पीछे याद करते हैं कि हमको आकर के इस दुख से लिबरेट करो। क्या पीछे पहले क्यों नहीं इतना याद करते? है, जो दुनिया बनती है नई दुनिया, जब भगवान ने आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाया तो क्यों नहीं याद करते? तो गायन है, सुख में करे न कोई, दुख में सब सो मेरे न करे, गाते हैं ना। है, क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? अरे, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न को, जो दुख में सिमिरन करें। अब सिमिरन बिचारे कहां से करें? सिमिरन माने स्मरण, पहचाने तो स्मरण करें। अरे, रसगुल्ला खाया होगा
रसगुल्ले का संग लिया होगा जिभ्या से तो याद आएगा, अब खाया ही नहीं, अनुभव कानों से भी नहीं सुना, तो कहां से वो सुख याद आएगा? याद आएगा? नहीं याद आएगा। तो बताया भक्ति मार्ग में जो दुख की दुनिया है, जहां भागते रहते हैं भक्ति में, कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे, इस जन्म में हिंदू बनते हैं तो मंदिरों में भागते हैं, अगले जन्म में मुसलमान बनते हैं तो मस्जिद में भागते हैं, फिर अगले जन्म में क्रिश्चियन बनते हैं तो गिरजाघर में भागते हैं, कोई जन्म में सिख बन गए तो गुरुद्वारों में भागते हैं, भागा भाग भागा भाग, तो उसी जिंदगी को क्या कहा जाता है? कौन सी जिंदगी हुई? भक्ति, भक्ति मार्ग की जिंदगी। तो भक्ति करते करते नीचे गिरते जाते हैं, अनेकों को याद करते जाते हैं, तो याद करते हैं लास्ट में जाकर के कि हे भगवान तू ही दुख को दूर कर सकता है, दुख हरने वाला और सुख करता, दुख हरता सुख करता एक ही गाया हुआ है। तो वो ही आकर के लिबरेट करते हैं दुख से, बुलाते हैं हमको अपने घर ले चलो, इस दुख की दुनिया में अब दुख के सिवाय अब अंत में हमें कोई भी सुख अंश मात्र भी प्राप्त नहीं, ऐसी दुनिया भी आने वाली है, कैसी है? ताबड़ तोड़ विनाश होगा ना, चारों तरफ दुनिया में हाहाकार होगी, तो सुख होगा या दुख होगा? अंश मात्र भी सुख अनुभव नहीं करेंगे, तो कहेंगे हे भगवान जिस घर में तुम सदा काल रहते हो, शांति धाम है, उस घर में हमको भी ले चलो, क्या हमें न सुख चाहिए और न ये दुख तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो पीछे कहते हैं, पीछे माने जब दुनिया तमो प्रधान हो जाती है, दुखदाई हो जाती है, तब कहते हैं स्वर्ग की दुनिया जो मैं बना के जाता हूं, हेवनली गॉड फादर आते हैं ना तो हेवन बना के जाते हैं, तो हेवनली गॉड फादर कहे जाते हैं, तो स्वर्ग में याद नहीं करते, नरक में हाँ फिर याद करते 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 अंत में तो फिर सिर्फ है क्या याद करते हैं कि बस अब हमें न सुख चाहिए न दुख चाहिए, अंश मात्र हम क्षणभंगुर सुख भी नहीं चाहिए, अच्छा अपने घर ले चलो हमें शांति चाहिए। परंतु बाप कहते हैं कि घर में जाकर के तो बैठना नहीं है, है? घर में जाके बैठना है? अरे बाप किस बच्चे को पसंद करते हैं, है? जो बच्चे बाप का धंधा करें संभालें, दुकान संभालें, कारखाना संभालें, खेती बाड़ी संभालें, उन बच्चों को प्यार करेंगे, है? या उन बच्चों को प्यार करेंगे जो घर में पड़े रहते हैं, है? शैतानी देते रहते हैं, उनको प्यार करेंगे? नहीं, तो घर में जाकर के तो बैठने का नहीं सदा काल का, ये बात तो अभी बच्चे समझ गए हैं कि घर में जाकर के कोई सदैव सदैव बैठना नहीं है, है पीछे तो इस दुनिया में आना जरूर है, क्या दुनिया में चाहे कोई भी आत्माएं हो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली ऐसी तो एक भी नहीं है कि जो बाप के घर में चली जाए शांति धाम आत्मलोक में और फिर कभी वापस आए ही नहीं। वो तो बातें बनाई दी हैं शास्त्रकारों ने, क्या महात्मा बुद्ध निर्वाण धाम गया है जहां वाणी का गम नहीं, वाणी होती ही नहीं क्योंकि वहां शरीर ही नहीं, इंद्रियां ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सदा काल के लिए वानप्रस्थी हो जाए, सदा काल के लिए आत्माओं की दुनिया में घर में ही बैठा रहे पड़ा रहे, नहीं आना तो पड़ेगा। अरे आगे नहीं आओगे तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए बाद में तो आना ही पड़ेगा। तो देखो
कितना समय लगता है वहां से फिर आने में है? कितना समय लगता है? है कितना समय लगता है? तुम बच्चों को तो ज्यादा नहीं बैठना होता है, तुम बच्चे तो बाप के आज्ञाकारी बच्चे हो ना। बाप कहते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर जाकर के धंधा करो, है बाप ने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि में तुम ऐसे कर्म करो जो दुनिया को सुख हो, दुख दुख ना हो। तो तुम जितना त्याग करोगे उतना तुम्हारा भी भाग्य बनेगा और तुम्हारे त्याग से दुनिया वाले भी सुखी होंगे दुखी होंगे सुखी होंगे। तो बाप ने समझाया ना बच्ची, जो भी दूसरे हैं सभी धर्म स्थापक वो तो इस समय में सभी पतित ही है। क्या? क्योंकि इस दुनिया में बाद में आते हैं कि मैं सुख की दुनिया जो रचता हूं उसमें आते हैं, है? दुख की दुनिया में बाद में आते हैं ना, तो वो भी तो सब पतित है ना। हा जबकि नंबर वन पतित है इस दुनिया में, जो नंबर वन में पहला पहला आया वो ही पतित है षष्ठी रूपी वृक्ष का बीज। वृक्ष पहले पैदा होता है, तना टहनियां पहले पैदा होती हैं कि जड़ें पहले पैदा होती हैं कि पहले बीज होता है? पहले तो बीज बाप होता है ना। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच का जो जगत पिता कहा जाता है वो नंबर वन पतित है, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पहले पहले आता है, सबसे पहले वो ही अंत में आकर के सबसे जास्ती पतित बन जाता है। जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तुम ब्राह्मण गाते हो क्या, संगम युग कब तक है? पुरुषोत्तम संगम युग कब तक? पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक। वाह भाई, तो वो ही पतित है। तो बाकी और जो बाद में आएंगे वो पतित नहीं बनेंगे, हा वो भी तो पतित होंगे ना। ये सारी दुनिया पतित ही पतित है कलयुग के अंत में। तो सभी पुकारते हैं क्या, किसको? उनको। उनको माने किनको? उसको क्यों नहीं कहा? अरे वो धर्म पिताएं तो समझते हैं कि एक निराकार ही है, है? अल्लाह माने ऊंचते ऊंच है। उन मुसलमानों से पूछो तो कहेंगे है अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब सूर्य बनाया, अल्लाह मियां ने चंद्रमा चंद है चंद्रमा बनाया बनाया है? नहीं, कैसे बनाएगा जब वो निराकार है? ये सब चीजें तो साकार में है, आंखों से देखने में आती है कि नहीं, तो बनाएगा कैसे? साकार होगा तो साकार बनाएगा, निराकार होगा तो निराकार बनाएगा। तो निराकार वो आत्मा है सुप्रीम सोल, वो इस सृष्टि पर आता है तो हमको बताता है बच्चे तुम अपने को देह साकार समझ बैठे हो, तुम साकार देह नहीं हो। तुम उस देह को चलाने वाली तो है ये, जैसे राजा ऊपर बैठता है ना गद्दी पर, ऐसे तुम्हारी आत्मा ये भ्रकुटी में बैठी हुई है, है? भरी पूरी कुटी है इस आत्मा की, है जहां से ये आंखों में रोशनी निकल रही है। ये आत्मा जब तक इस शरीर में रहती है आंखों में से रोशनी निकलती है। आत्मा उड़ जाती है तो आंखें भी बटन और सारा शरीर भी इंद्रियां काम करती है? नहीं, निश्चल हो जाती है। तो बताया तुम वो ही ज्योति आत्मा हो जिसकी ज्योति आंखों से निकल रही है, है? और ज्योति भी कोई लंबी चौड़ी बड़ी भारी नहीं है, है? कितनी है? अति सूक्ष्म ज्योति है। गीता में गाई हुई अणु अणियांसम, जैसे बाप अणु से अणु है अति सूक्ष्म है, वैसे तुम आत्माएं भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो।
तो वो ज्योति बिंदु सिर्फ ज्योति बिंदु बनकर के कोई कार्य इस दुनिया का संपन्न नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारी आत्मा अकेली हो, शरीर न हो, तो दुनिया का कोई काम कर पाओगे नहीं। आत्मा भी चाहिए और साकार शरीर भी चाहिए। तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो ज्योति बिंदु है, है, है और सदाकाल ज्योति रूप में रहता है, तो उसको देह जरूर चाहिए। तो जिस देहधारी में प्रवेश करता है, है उसका नाम देता है संसार में गायन है। भारत में तो चित्र भी बनाई दिए, अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आया, वो मुकर्रर रथ है। और दूसरे धर्म पिताएं भी मानते तो है ना आदम को, सृष्टि का आदम, आदम माने आदमी, पहला आदमी एडम मानते हैं ना। हाँ, तो उसमें जो इस सृष्टि का बीज रूप बाप है, बीज को बाप कहा जाता है ना। हाँ, तो उस बीज रूप बाप में, उस साकार स्वरूप धारी में वो निराकार शिव ज्योति प्रवेश करती है, मुकर्रर रूप से उसी में प्रवेश करती है। तो उनको कहा, उनको क्यों कहा, उनको पुकारते हैं, एक को पुकारते हैं या उसको पुकारते हैं या उनको पुकारते हैं, किस पुकारा किसको जाएगा। अरे होगा तो पुकारा जाएगा, होगा ही नहीं तो पुकारा जाएगा, और पुकारने से आएगा। जैसे हिंदू लोग कितना कीर्तन करते हैं जन्म जन्मांतर से, आता है नहीं आता ना। हाँ, ऐसे ही मुसलमान कितना मस्जिद में चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर, आता है हाँ? सालों साल बीत गए, हजारों साल, आया तो नहीं, नहीं। तो वो असली रूप में आता है, और तुमको बहुत दुख होता है इस दुनिया में, तब तुम उसे पुकारते हो। इस दुनिया दुख की दुनिया में जब तक अंश मात्र भी क्षण मंगुर सुख भी तुमको मिलता रहता है, तो तुम उतना उतना नहीं पुकारते। फिर जी जान लगा करके हाथ पांव सारे पटक पटक के फिर तुम बुलाते हो, जब तुम्हें दुख ही दुख मिलता है, सुख का अंश मात्र भी नहीं रहता, तब तुम उनको बुलाते हो। उनको माने एक को या दो आत्माओं को। हा, इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी है, पहला पुरुष है, पहला मनुष्य है, आदमी, उसमें वो सुप्रीम सोल निराकार प्रवेश करता है। अरे भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं, है, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या भगवान निराकार नहीं प्रवेश कर सकता? प्रवेश कर सकता है ना। वो गीता में लिखा हुआ है, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो दो हो गए, जिसे मैं प्रवेश किया वो, और जिसे आत्मा निराकार ने प्रवेश किया वो, माने निराकारी और साकारी दोनों का मेल हो गया। अरे तुम बच्चे भी तो साकार शरीर, तुम आत्मा हो ना निराकार, तुम साकार शरीर धारण करते हो, तब तुम सुख दुख भोगते हो ना, कि अकेली आत्मा या अकेला शरीर सुख दुख भोगता है नहीं भोगता। तो बताया कि उसको तुम पुकारते हो प्रैक्टिकल में, और वो प्रैक्टिकल में होता है तब ही तुम पुकारते हो है? तो अभी पावन बन रहे हो तुम, क्या तुम माने जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हो, वो तुम पावन बन रहे हो। सन्मुख बैठने वाला क्यों, दूर बैठने वाला याद करेगा तो पावन नहीं है? नहीं बनेगा, बनेगा ना। अच्छा, दूर बैठने वाले ने कैसे जान लिया है? कि आया है प्रैक्टिकल में है। अरे उसने कानों से सुना ना, बिना कान के उसको पता चल गया नहीं, कानों से सुना तो उसको विश्वास बैठ गया सुनी सुनाई बात पर, और फिर याद करता है भाई सारी दुनिया में चिल्लाए रही है कि भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, है? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने, दुखदाई दुनिया को सुखदाई दुनिया बनाने, और हर एक के लिए बनाने के लिए आया,
ऐसे ये नहीं कि 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई को छोड़ देगा, नहीं तुम दुख की दुनिया में ही आना। कोई को छोड़ता है नहीं, सबको सुख की दुनिया देता है। भले एक जन्म की देगा तो भी देगा जरूर। तो बताया किसके द्वारा? जिस साकार मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा। तो उनको तुम बुलाते हो, तो अभी पावन बन रहे हो तुम। क्या तुम माने? जिन्होंने शरीर भी धारण किया हुआ है और उस शरीर में आत्मा भी है और बाप के सन्मुख प्रैक्टिकल में बैठी हुई भी है। प्रैक्टिकल माने शरीर के द्वारा, बिना बिना शरीर के। तो बाप भी प्रैक्टिकल में और तुम बच्चे भी शरीर के साथ प्रैक्टिकल में। तो तुम बच्चे पावन बन रहे हो, तुम बच्चे पावन बन रहे हो। जो दूर है वो क्यों नहीं पावन बन रहे? ये बाजू वाले ये क्यों नहीं पावन बन रहे? अरे बाजू में दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा बैठती है ना, और दादा लेखराज ब्रह्मा को ही साकार भगवान समझने वाले उनके नजदीक बैठते हैं कि नहीं? हाँ, भले सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया तो भी याद करते हैं ना सूक्ष्म शरीर को, गुलजार दादी में। तो तुम पावन बन रहे हो न, ये पावन बन रहे हैं, इनके बाजू में बैठने वाले सन्मुख बैठने वाले भी नहीं पावन बन रहे हैं, और वो जो दूर हैं जी सन्मुख आए ही नहीं प्रैक्टिकल में है, उनके लिए नहीं कहा तुम पावन बन रहे। क्यों तुम पावन बन रहे हो? हाँ, क्योंकि तुमने कानों से सुना और अभी आंखों से देखा भी और मन बुद्धि से समझा भी। तो अब ऐसे अच्छी तरह से सभी इंद्रियों से अच्छी तरह से अनुभव कर लिया ना, हाँ, तो तुम पावन बन रहे हो। तुम ये जानते हो क्या कि पावन बन करके है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या प्राप्त होगी? है पावन बनेंगे तो तुमको एम ऑब्जेक्ट जो तुम्हारी पढ़ाई की है, जो भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्या एम ऑब्जेक्ट है? नर से नारायण जैसा देवता बनना, मनुष्य से देवता बनने का तुम्हारा लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है। और तो कभी कहां तुमको ये एम ऑब्जेक्ट, ये तो कोई दिखलाएगा ही नहीं। 2500 साल से तुम इतनी भक्ति करते आए है, ढेर सारे गुरु बनाए होंगे, ढेर सारे मंदिरों में गए होंगे, मस्जिदों में, गिरजाघर में गए, चक्कर काटे होंगे, भागते रहे होंगे, भक्ति की ना। तो किसी ने तुम्हें ऐसी एम ऑब्जेक्ट दी क्या कि मनुष्य से तुमको देवता बनाएंगे? तुम ये पढ़ाई जो मैं पढ़ाता हूं, तो किसी ने ऐसे कहा? कहा किसी ने? किसी ने नहीं कहा। मैं आकर के तुमको कहता हूं कि मैं जो पढ़ाई तुमको पढ़ाता हूं, इस पढ़ाई से तुम ये ऊंचे ते ऊंच बनेंगे, और एक जन्म के लिए नहीं है, अनेक जन्मों के लिए सुख पाएंगे देवता बनकर के। क्योंकि देवता हैं तो सुखी ही होते हैं, भले भोगी होते हैं, सुख भोगते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है? अभी तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है? अभी तो दुनिया में विनाश बरपा नहीं हुआ है, महाविनाश की हलचल उतनी नहीं हुई है कि एटम बम चारों ओर फट रहे हो और दुनिया में भागदौड़ मच रही हो, भागो भागो भागो, बचो 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 बचो, ऐसे हो रहा है? ऐसे नहीं, अभी तो शांति का टाइम है ना। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? तुम सदा काल की शांति, जैसे सुसुप्ति होती है ना, आदमी सो जाता है तो शांत हो जाता है, तो सुसुप्ति चाहते हो कुंभकर्ण की, या जागते हुए सुख भोगना चाहते हो? सुख भोगना चाहते हो, सभी सुख ही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो मैं आता हूं तो सुख की दुनिया तुम बच्चों के लिए बना। बाकी तुम जो आकर के सन्मुख बैठते हो, सन्मुख माने आंखों से भी सन्मुख, कान से भी सन्मुख, मुख से बातचीत करने में भी सन्मुख, और मन बुद्धि से समझने समझाने में भी सन्मुख। ऐसे नहीं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, सो नहीं,
उनके लिए तो बाप ने बोल दिया। बता, बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो उसको मुरली कहा है। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा है, कुछ कहा स्पेशल? मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, जो मैं सुनाता हूं वो भी मुरली तो है लेकिन तीन तरह की है। कैसी? एक तो सन्मुख, दूसरी टैप रिकॉर्डर से या टीवी के द्वारा, ज्यों का त्यों जैसा बोला है वैसा ही सुनाएगा है? और जिस एक्शन से बोला है टीवी उसी एक्शन से दिखाएगा, लेकिन वाइब्रेशन निकलेंगे उसमें से, जरा टीवी में से टैप रिकॉर्डर में से नहीं निकलेंगे। तो तीसरा है वो किताब से या अखबार से या मुरली से, छपी हुई मुरली से पढ़ना और दूसरों को सुनाना। तो तुम बच्चे तो सन्मुख सुन रहे हो तो ज्यादा प्राप्ति किसको होगी? टेप रिकॉर्डर वालों को ज्यादा प्राप्ति होगी है, अखबार में पढ़ने लेने वालों को ज्यादा प्राप्ति होगी है, किसको प्राप्ति होगी? हाँ, जो सन्मुख आकर के सुनते हैं उनको तो जो प्राप्ति होगी वो दूसरों को हो ही नहीं सकते। तो तुम ये जानते हो कि पावन बन करके ये जो एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी ये है ना, नर से नारायण जैसे देवता बनना, क्या मनुष्य से देवता बनना, और ये कभी भी कहां तुमको एम ऑब्जेक्ट तो ऐसी कोई दिखला ही नहीं सकता। कोई भी साधु हो है, इंद्रियों की कितनी भी साधना करने वाला हो, ऋषि मुनि सन्यासी संत हो, क्या सच्ची बातें तुम्हें लगती हो सुनाता है, है? तो संत हो, महात्मा हो, महान आत्मा है, महान आत्मा माने ऐसी आत्मा नहीं जिसकी लोग बुराई बुराई करते रहे, नहीं, उसकी सब क्या करते हैं है? जो भी देखता है जो भी सुनता है सब भलाई कर रहे हैं, तो महान आत्मा हुई ना, महान आत्मा सन्यासी, जो संपूर्ण न्यासी कहते हैं अपने को, हमने सब कुछ छोड़ दिया, कहते हैं हमने सब कुछ छोड़ दिया, क्या मन बुद्धि से याद करना छोड़ दिया? वो तो नहीं छोड़, तो सन्यासी कहेंगे तो झूठ है सन्यासी। तो वो कोई भी कभी भी नहीं तुमको ये हम ऑब्जेक्ट दिखलाएंगे कि हम जो तुम कहो कि हम मनुष्य से ये देवता सुख भोगने वाले है, जो दुख नहीं भोगते वो देवता बनते, न खुद भोगते हैं दुख न दूसरों को दुख देते हैं, सुख लेना और सुख देना। तो ये है तुम्हारी ऐसा बनने की एम ऑब्जेक्ट। वो देवताएं अभी तो नहीं है हा? लेकिन गायन तो है ना, क्या अरे मुसलमान भी जन्नत को गाते हैं कि नहीं है? गाते हैं, क्रिश्चियंस भी है, दुनिया में 200-250 करोड़ क्राइस्ट को फॉलो फॉलो करने वाली क्रिश्चियंस हैं, वो हेवन को गाते तो है ना, जानते हैं है? तो अब नहीं है वो देवताएं है, वो डिटीज अभी नहीं है, फिर बनते तो है ना, पूज्य थे अभी पुजारी बन गए है, अभी पूजा कर रहे हैं हजारों साल से, फिर क्या बनेंगे? फिर जो पुजारी है वो फिर पूज्य बन जाएंगे। ये पढ़ाई पढ़ के जो मैं पढ़ाता हूं, ये पढ़ाई और कोई दुनिया में आज तक न पढ़ाई और न पढ़ा सकता है, न देवात्माओं ने पढ़ाई, न ऋषि मुनियों ने पढ़ाई, और न जो विपरीत धर्मी हैं, विदेशी धर्म पिताएं हैं, ना उन्होंने पढ़ाई है। तो ऐसा पूज्य देवता बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। क्या चाहिए है? क्यों नाम दिया पुरुषार्थ? देह अर्थ नहीं, अर्थ माने लिए, किसके लिए करना है?
देह के लिए करना है? नहीं, क्या करना है? आत्मा के लिए करना है। जो भी करना है किसके लिए करना है? आत्मा की परवरिश के लिए, आत्मा को संपन्न बनाने के लिए। आत्मा शरीर रूपी वृक्ष का बीज है ना, उस बीज को परिष्कृत करने के लिए, सुधारने के लिए सब कुछ करना है। तो पुरुषार्थ देखो है, अभी देखो बाप कैसे अच्छी तरह से कराते हैं। क्या पुरुषार्थ कराते हैं या देहार्थ कराते हैं? क्या कहते हैं? 80 साल से ऊपर हो गए, अच्छी तरह से कराते हैं, इससे ज्यादा और अच्छी तरह क्या होगा? अच्छा, 80 साल में नहीं तुष्ट होते तो 90 साल तक कराते रहेंगे। फिर कहां तक कराते? अरे जैसे और धर्म पिताएं 100 साल में आके अपना धर्म स्थापन करते हैं, बाप भी सत्य सनातन धर्म की स्थापना 100 साल ही करने के लिए आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल ले लो। क्या कितने कितना टाइम? जैसे और धर्म पिताओं ने 100 साल दिए, मैं भी 100 साल से कम थोड़े ही देता हूं, तो 100 साल ले लो। तो 100 साल में पुरुषार्थ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच की हर मनुष्य आत्मा को अपना पुरुषार्थ पूरा करना है या नहीं करना है? बहुत लेट लतीफ करते रहेंगे तो फिर मैं जबरदस्ती कराऊंगा क्या? क्योंकि मुझे करण करावन हार भी गाया जाता है। क्या करण हार? मैंने शरीर रूपी रथ में, अर्जुन के रथ में प्रवेश करके करता भी हूं, करके दिखाता भी हूं, और फिर उससे कोई देख करके सुन करके इशारे से नहीं समझते हैं है? और बार बार कहने से, बार बार इशारे को भी नहीं समझते हैं है? गड़बड़ाई कर देते हैं, तो फिर क्या करता हूं? तो फिर तो फिर मैं सौंप देता हूं। किसको? इस देहधारी को सौंप देता हूं जिसे मैं प्रवेश करता हूं। किसको? किस रूप में गाया जाता है? कि मैं अकेला तो आता नहीं हूं, मैं किसके साथ आता हूं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो तीन देवताएं गाए हुए हैं उनके साथ। उनमें बड़ा देवता कौन? कहते हैं देव देव महादेव। देव ब्रह्मा, फिर उससे बड़ा देव विष्णु, फिर दोनों से बड़ा देव देव महादेव। हा, उससे बड़ा तो देवता कोई दुनिया में होता ही नहीं। एक ऐसा देवता, वो क्या करता है? वो ऐसा देवता है कि और देवताएं तो सिर्फ सुख ही सुख देते हैं, और ये देवता जो है सुख देने से नहीं मानते, सुखी सुखी तरह से तुम्हें समझाते हैं, शांति से समझाते हैं, और तुम नहीं मानते तो ये ताबड़तोड़ विनाश, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ। और जब विनाश होता है सर के ऊपर ही डंडा बजने लगता है। अरे दूर दूर एटम बम दूसरे शहरों में फट रहे हैं तो उतना ज्यादा दुखी नहीं होंगे। अब जब देखा कि हमारे बाजू के शहर में ही धमाका हो गया, पूरा शहर खलास हो गया, जल भुन गया, सब खत्म हो गए, हमारे सारे रिश्तेदार नष्ट हो, अब तब क्या? तब तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब तो हमारे शरीर के हमारे ऊपर भी डंडा विनाश का बजेगा भी नहीं। हाँ, तो फिर वो जबरदस्ती पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैं आत्मा, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके उस ज्योति बिंदु बाप को पहचाने, पहचान करके फिर प्रैक्टिकल में उसके सन्मुख जाने का पुरुषार्थ। फिर इतनी बड़बड़ी में विदेश में बैठे हुए हैं, उनको हवाई जहाज मिलेगा है? हवाई जहाज की कीमत ही अगर मिलेगा भी तो इतनी कीमत बढ़ जाएगी कि कोई लल्लो चप्पो तो अदा कर ही नहीं सकेंगे। हाँ, तो पुरुषार्थ तो देखो बाप अभी तो बहुत अच्छी तरह से कराते हैं। कौन सा बाप? निराकार बाप या साकार बाप है? निराकार बाप जो साकार तन में प्रवेश करके कराए रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कराए रहे। हाँ,
फर्क देखो कितना बन गया। क्या निराकार बाप इतने अच्छी तरह से 80-90 साल अच्छी तरह से कराते हैं, फिर देखते हैं अरे इन्होंने तो गांठ बांध ली, ये तो सुधरते ही नहीं, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, इनको तो निश्चय पैदा होता ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं, फिर जिसे में प्रवेश करते हैं उसको सौंप देते हैं, भाई अब तुम्हें ही अपने बाल बच्चों को संभालो। क्या तुम इस मनुष्य सृष्टि के बाप हो ना, हाँ तुम संभालो। तो फिर वो ताबड़तोड़ विनाश शुरू कराए देता। तो देखो दोनों के पढ़ाई पढ़ाई लिखाने पढ़ाने में कितना फर्क है, देहधारी जो पढ़ाते हैं उसमें और मैं जो पढ़ाता हूं है सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला, तो उस पढ़ाई में कितना फर्क है, फर्क है कि नहीं, फर्क तो है। अभी कितने साल पढ़ाया मैंने, 80 साल से ऊपर हो गए, अब कितना टाइम रह गया है? और बताई भी दिया है? जो अम्मा का पार्ट है ना उसके द्वारा, दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा तुमको बताई भी दिया क्या, अरे 20 साल तो तुम बच्चों के लिए है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा करो, बहुत ज्यादा करो तो 10 साल है। 10 साल के अंदर जो मैं पुरुषार्थ बताता हूं वो तुमने आत्मा के अर्थ कुछ काम नहीं किया, बस देह के पीछे लगे रहे, तो फिर बस समझ लो तुम्हारा बंटाधार हुआ पड़ा है। तो देखो उस देहधारियों की पढ़ाई में शंकर को भी मूर्ति दिखाते हैं, देह दिखाते हैं कि नहीं है? नहीं दिखाते, दिखाते हैं ना। और विष्णु को, विष्णु भी तो दो को मिला के बनता है ना विष्णु, कौन कौन दो, कौन कौन दो मिलते हैं तो पहले विष्णु बनता है, है? पता है दो आत्माएं पार्टधारी मिलती हैं, लक्ष्मी नारायण है तेरे की नहीं, तो वो पहले मिल जाएंगे है, पहले जगदम्बा और फिर हाँ लक्ष्मी। जो जगदम्बा है वो सारे जगत की अम्बा है, सभी धर्म पिताओं की और सभी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स की अम्बा है, और जो लक्ष्मी है जिसे भारत माता कहा जाता है वो भारतवासियों की अम्बा है ना। तो दोनों में फर्क है, क्या फर्क है, एक में देहभान नहीं है, क्या देह का सुख लेने की इच्छा नहीं करते। तो देखो यादगार बनी हुई है तिरुपति में, क्या यादगार बनी हुई है, दो पत्नियां हैं भगवान को, क्या क्या कौन कौन, एक श्री देवी श्रेष्ठ देवी और दूसरी उसके मुकाबले फिर कैसी होगी, अरे कुछ न कुछ भ्रष्ट होगी ना। हाँ तो फिर बताया वो पद्मावती, तो वो दोनों लड़ाई लड़ती है, वो क्यों लड़ाई लड़ती है, एक कहती है तेरा पति, पद्मावती कहती है श्रीदेवी से तेरा पति क्यों, क्योंकि देह से तो मेरे साथ रहता है, देह का सुख तो मैं लेती हूं लिया, लेकिन दिल से तो आत्मा से तो वो तेरे को याद करता है, है? तो आत्मा जन्म जन्मांतर काम आएगी या देह काम आएगी, आत्मा तो जन्म जन्मांतर तो तेरा बन के रहेगा, मेरा तो नहीं रहेगा। और वो क्या कहती है श्रीदेवी, अरे बिना देह के तो कोई काम ही नहीं होता है, और तेरे पास तो देह भी है और तेरे को उस देहधारी से देह का सारा सुख मिल रहा है इस जन्म में, नहीं मिल रहा है, और मिला है तूने अपनी इच्छा से अगर छोड़ देना चाहे तो छोड़ दे, लेकिन वो तो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है, भगवान ही है, उसको छोड़ने की बात तो होनी नहीं चाहिए। तो दोनों में लड़ाई होती है, लड़ाई खूब जोर से लड़ाई लड़ती है, दुनिया जान जाती है तिरुपति, वो कहते नहीं तिरुपति, अरे भाई क्यों लड़ाई लड़ते हो, असली बात पकड़ो ना, क्या असली बात, कि तुम आत्मा हो तुम देह नहीं हो। तो जो श्री देवी है वो आत्म की स्थिति में टिकती है और उस जगत पिता की आत्मा को याद करती है या देह को याद करती है, आत्मा को, और जो जगदम्बा है वो किसको याद करती है, अरे वो जगदम्बा ने बचपन से ही संग लिया है किसका,
उस देहधारी बाप का, जगत पिता का लिया ना। हाँ, जैसे सन्यासी होते हैं ना, तो सन्यासी किसके पीछे पड़ते हैं, पूजा किसकी करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं ना। हाँ, जानते हैं इसे, पवित्रता से ही सारे काम होते हैं दुनिया के। तो सन्यासी उन पवित्र कन्याओं की ही पूजा करते हैं। और कैसी पवित्र कन्या है? ज्यादा उम्र वाली या कम उम्र वाली? 9 साल की कन्या मिलेगी तो उसे की पूजा। तो भगवान, ये परंपरा कहां से पड़ी? ये परंपरा भी भगवान जब आते हैं तो 8-9 साल की जो कन्या होती है, जिस मकर रथ में आते हैं, वो कन्या के पीछे शुरुआत से ही अरे भाई ये बड़ी अच्छी, अरे भाई कन्या होगी तो सुशील तो होगी ना, कन्याएं सबको अच्छी लगती है, कन्याएं कुछ भी खराब लगती है क्या? सबको अच्छी तो बाहर के पीछे पड़ जाता है। ये कैसे भी एडवांस ज्ञान को, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को सुन ले। तो देखो बचपन से ही उसको याद किया है, हैं? और नौजवान अवस्था होने तक भी याद किया, याद किया ना। अरे नौजवानी में भी मेच्योरिटी आना शुरू होती ही नहीं? हाँ, तो तब तक याद किया। तो अगर छोड़ भी दिया तो दुनिया में कोई भी कन्या से पूछ लो जिसके ऊपर पहले पुरुष का ठप्पा लगा होगा, है? उसको याद करेगी जिंदगी भर या कोई बाद वाले को याद करेगी? पहले ही याद आएगा तो वो देह को याद करना भूल पाती। कहीं भी दुनिया में चली जाए सुख लेने के लिए, यहां मिलेगा वहां मिलेगा, उससे कोई भी उतना सुख नहीं दे सकता जितना उसने अनुभव कर लिया कि उससे सुख मिला है। तो देह को याद करती है तो उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ऐसी देह को याद करती है जो देह भी क्या बन जाती, देह का रोम रोम है, ज्ञान प्रकाश से भरपूर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हाँ, तो बताया दोनों देवियों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, टकराती नहीं है। अभी तो टकराहट है ना, वो टकराहट क्या हो, बिल्कुल बंद हो जाए तब कहेंगे विष्णु बने कि नहीं। पहले कौन विष्णु बना है? पहले वो दोनों मिलकर के विष्णु बने। हाँ, तो बताया कि फर्क देखो कितना हो गया किस बात में। देहधारी पुरुष चोले जो तुमको अहम ऑब्जेक्ट देते हैं, है उसमें, और निराकार तुमको जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, अहम ऑब्जेक्ट देते हैं, उसमें कितना फर्क है। तो बस इसको भी देखो, है, देखो इसको भी, चलो सामने देखो कि वो देखो और ये देखो। क्या देखो? वो देखो और ये देखो। फिर ये जो पढ़ते रहते हैं ये तो समझते हैं ना अच्छी तरह से कि ये शाहजादा बनूंगा, है? क्या कौन अच्छी तरह से पढ़ते हैं? सबसे अच्छी तरह से कौन पढ़ते हैं? अरे जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो पढ़ते हैं कि नहीं, कि बीच में छोड़ के भाग जाते? नहीं, आदि से अंत तक। भले सारी दुनिया भाग जाए, सारी दुनिया दुश्मन बने, कोई सहयोगी न बने, तो भी पढ़ाई छोड़ देते क्या? नहीं छोड़ते। तो बताए हो उनकी बुद्धि में रहेगा ना कि मैं इस बाप का शाहजादा बनूंगा। कौन सा शाहजादा? अरे सतयुग का कृष्ण तो शाहजादा बनेगा अपने साकारी सो निराकारी बाप का। ये कौन से बाप का शाहजादा बनेगा? अरे कुछ भी बुद्धि में नहीं आ रहा। अरे आत्मा है तो आत्मा किसका बच्चा? शिव बाप का बच्चा बने। शिव बाबा का नहीं, किसका? शिव बाप का बच्चा बने।
शिव बाप ज्योति बिंदु आत्मा, तो बच्चा भी 100% ज्योति बिंदु आत्मा। तो बुद्धि में आएगा ना, बच्चा पहले छोटा बच्चा होगा कि पैदा होते ही बड़ा हो जाएगा? हाँ, तो जब आत्मा में, बुद्धि में, मन बुद्धि में ये बात बैठ गई क्या कि मैं ऊंच ते ऊंच बाप का बच्चा हूं, कब बैठी बुद्धि में बात? पांच दिसंबर को बैठ गई है, 5 दिसंबर को बैठ गई कि मैं बच्चा हूं, मैं नारायण बनूंगा। है 1976 में ये बात बुद्धि में बैठ जाती है, तो उसकी यादगार में ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो शूटिंग कर रही हैं, रिहर्सल कर रही हैं ब्रॉड ड्रामा की, तो उन्होंने भी प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाई लिया? 1976 में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया ना। किसका प्रत्यक्षता वर्ष? बाप का प्रत्यक्षता। कौन से बाप का प्रत्यक्ष वर्ष? निराकार का या निराकार सो साकार का? है निराकार का। अगर कहें निराकार दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आता है, वो तो शरीर छोड़ गया है। निराकार सो साकार दोनों ही रूप चाहिए। तो 76 में कोई आत्मा रूपी बच्चा है शिव बाप का, जिसकी बुद्धि में, मन बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि ये पार्ट तो मेरा है, पहले बच्चे के रूप में या पहले ही बड़ा बड़ा देवता बन जाएगा, बच्चा रूप में तो मैं शहजादा बनूंगा। तो उस शहजादे का रूप क्या दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? अरे दिखाते हैं कि नहीं? क्या दिखाते हैं? मुरली बजाते हुए दिखाते हैं। अच्छा, अरे है कृष्ण, क्या कृष्ण गया? अरे नहीं मालूम। अरे संगम युगी कृष्ण, क्या संगम युगी कृष्ण जो होगा वो सिर्फ निराकार होगा कि सिर्फ साकार होगा, या निराकार साकार का मेल होगा? है हाँ, जिसके लिए ब्रह्मा कुमारियां बड़े बड़े बोर्ड टांगती रही सेंटरों के सामने, आश्रमों के सामने, क्या लिखती थी उसमें? श्री कृष्ण आ रहे हैं, आ रहे हैं। और जब आए 76 में वो आत्मा प्रत्यक्ष होना शुरू हुई, मनुष्य सृष्टि का बाप जो पहला पहला शहजादा बनता है, अपने बाप का बच्चा बनता है, तो फिर वो बड़े बड़े बोर्ड सारे उतार के फेंक दिए। तो क्या कहेंगे, बुद्धि में बैठा कि नहीं बैठा? है बैठा? नहीं बैठा। तो देखो अच्छी तरह से तुम बच्चे समझते हैं है कि मैं ये शहजादा बनूंगा। ये शहजादा माने वो शहजादा नहीं जो सतयुग में बनने वाला, वो दूर हो गया कि नजदीक हो गया, ये क्या कहेंगे उसको? वो कहेंगे कि ये कहेंगे? वो तो वो सतयुग में होगा, ये शहजादा बने। ये माने कौन सा? जो यादगार चित्रों में अभी बाद में बनाने लगे, पहले ये चित्र नहीं निकले थे क्या? हाँ, बुढ़ा अनुभवी बाबा सफेद दाढ़ी वाला दिखाया है और उसके भी गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ। कौन सा बच्चा? सतयुगी 16 कलश संपूर्ण? नहीं, वो बच्चा जो 16 कला से भी परे का, अंदर अंदर का, मन बुद्धि का सुख भोगता है, देह का सुख, हाँ देह के सुख में उसमें कोई रस नहीं आता है। तो ये शहजादा बनूंगा, देखेगा तो ये है ना, है ये है ना, तो भी देखो इतना है, एकदम नंबर वन में, तभी भी भूल जाते हैं, है नंबर वन में फिर भी अपने उस स्वरूप को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं?
दुखी होते हैं। अगर याद आता है बुद्धि में पक्का बैठा रहता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो बाबा कहते हैं कि बाप जो कहते हैं कि मां में एकम याद करो, क्या करो, मुझे एक को याद करो। एक को याद करो, कौन याद करे, आत्मा याद करे कि देह याद करे? आत्मा, कहा ना तुम अपन को आत्मा समझो, तो आत्मा तुमने अपन को समझा तो आत्मा समझ करके उस आत्मा के बाप उस एक आत्मा को याद करो। बड़ी मुसीबत। एक तरफ कहते हैं कि अव्यक्त है आत्मा जो आंखों से नहीं दिखाई देती, व्यक्त होता है तो आंखों से दिखाई देता है, तो अव्यक्त आत्मा को याद करना बड़ा कठिन है। बहुत कठिन हुआ ना कि सहज है, क्या अनुभव करते? अव्यक्त आत्मा जो आंखों से दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म है ज्योति बिंदु, तो उसको याद करना कठिन है या सहज है? कठिन है। हा कठिन है, माता तो जब बढ़िया हिंदी जानने लगी, हा कठिन है, ठीक है। तो देखो, हाँ, ये मां में एकम याद करो, कौन याद करे, आत्मा याद करे। तो मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो निराकार ज्योति बिंदु को याद करे। अरे खाने पर भी बिंदी याद आए निराकार अव्यक्त, पीने समय भी वो बिंदी याद आए, पर ये उन पर तो अभी नहीं होता है। क्या जो कभी कभी समझते हैं कि मैं संगमयुगी कृष्ण बनूंगा, शहजादा बनूंगा, तो उनकी बुद्धि में सदा रहता है, है? क्या कि खाते भी पीते भी याद रहे मैं ज्योति बिंदु आत्मा? हा को कड़ुआ कड़ुआ पिलाएगा तो भगवान याद आएगा, तो याद आएगा। हा और मीठा मीठा बढ़िया बढ़िया भोजन आ गया तो सब याद करना भूल जाते कि याद आता? खाने से पहले याद आता? नहीं याद आता। तो देखो, उन पर नहीं होता है ना ये पुरुषार्थ। किन पर? बच्चों पर। कब तक नहीं होता है? टाइम है, नंबर बार पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई तो अब्बल नंबर में जाते हैं, कोई फिर बाद में। तो बाबा ने फिर ये भी कारण बताया है कि ऐसे कितने भी मेहनत करेंगे ऐसे कभी हो नहीं सकेगी। कैसे? कि सीधे ज्योति बिंदु आत्मा बने और ज्योति बिंदु बाप को याद करे। अच्छा, धर्म पिताओं की होगी कि नहीं? धर्म पिताएं तो जन्म जन्मांतर निराकार को ही मानते आए, वो तो साकार को मानते ही नहीं, तो उनकी ऐसी स्थिति बनेगी कि निराकार को सीधे सीधे याद करें, अपने को आत्मा निराकार समझें? बनेगी? अरे उनकी भी नहीं बनेगी। क्या? हाँ, मेहनत करें कभी भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि होंगी कर्मातीत अवस्था तब जब के लड़ाई का मैदान बनेगा, तब कर्मातीत अवस्था। तो उस मैदान के समय में, युद्ध के समय में, ऐसी स्टेज पहले से ही प्रैक्टिस करके बनाई हुई हो कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आत्मा के लिए कर रहे हैं ऐसी प्रैक्टिस करें कर्मों की, देह के लिए, अगर देह के लिए कर रहे हैं सदा ये ध्यान रहेगा तो फिर क्या होगा? आत्मा बनेंगे कि देह अभिमानी ही बनेंगे? देह अभिमानी ही बने रहेंगे। तो बताया, जब लड़ाई शुरू होगी, लड़ाई का मैदान होगा, तो उस समय क्या होगा? उस समय प्रैक्टिस कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो वो धर्म पिताएं जो हैं, जब तक इस दुनिया का विनाश शुरू नहीं होता है तब तक उन्हें विश्वास होता है? विश्वास ही नहीं होता। तो प्रैक्टिस पक्की होती है कि लेबड़ देबड़ पड़ जाती है? हा?
खींचातान फंस जाती है, बहुत खींचातान हो जाती है। तो बताया ऐसी अवस्था नहीं बनाई पहले से तो पुरुषार्थ तो बहुत ही करते हैं। क्या? आत्मा समझने का और आत्मा के अर्थ सारे कार्य करने का बहुत पुरुषार्थ करते तो हैं। करना तो सबको है ना, 500-700 करोड़ को भी करना है कि नहीं? अपन को आत्मा समझ करके आत्मा के लिए ही सारा पुरुषार्थ करना, देह के लिए भूल जाना, देह का नहीं करना, देह के बारे में बुद्धि में ना रहे कि देह के लिए हम परवरिश करते रहे, वो नहीं, आत्मा की लौ लग जाए। तो सबको करना तो है, इनको भी तो करना है ना। इनको माने किनको? अरे जिन चौमुखी ब्रह्मा नामधारियों में प्रवेश करता हूं और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, उनको भी करना तो है ना, नहीं करना? हाँ करना है, क्योंकि इनको तो तुम बच्चे अच्छी तरह से जान भी गए हो। किनको? दादा लेखराज को भी अच्छी तरह से जान गए कि नहीं? हाँ शुरुआत से ही जान गए, जब से यज्ञ शुरू हुआ, ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ में थे कि नहीं थे? हाँ ज्ञान यज्ञ में थे। तो 36-37 से नहीं तो जब से, जब तक ओम मंडली रही तब तक जान लिया ना, तो उस समय से तुम जानते हो इन ब्रह्मा को भी, जानते हो दादा लेखराज को, और जो इनको भी पढ़ाई पढ़ाने वाला जो पीयू था उसको भी जानते हो कि नहीं? उसको भी जानते हो। हाँ, समझाते भी बहुत अच्छी तरह से हैं। किन के लिए? इन दोनों साकार के लिए अच्छी तरह से समझाते हैं, है कि थोड़ा थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा थोड़ा समझाते हैं, दोनों के लिए एक जैसा, दोनों के लिए एक जैसा। कैसे? वो तो शरीर ही छोड़ गया तो उसके लिए कैसे समझाएंगे? हाँ बल शरीर स्थूल छोड़ गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर थोड़ा ही आत्मा छोड़ गई। सूक्ष्म शरीर से तो कोई ना कोई शरीर में है, कोई शरीर रूपी रथ में सबसे जास्ती प्रवेश करती है कि नहीं? यादगार बनाई हुई है। अर्जुन के रथ में कौन बैठा हुआ है सबसे ऊपर झंडे में? हनुमान बैठा हुआ। हनुमान को कहते हैं किसका बच्चा है? पवन सुत है, हवा का बच्चा। अरे भूत का बच्चा भूत ही होगा ना, हवा दिखाई पड़ती है? हवा तो नहीं दिखाई पड़ती, तो भूत का बच्चा भूत। तो अभी तुम सब बच्चे क्या हो? भूत हो कि भगवान हो कि देवता हो? अरे तुम्हारे अंदर भूत है तो भूत हो कि नहीं? भूत तो हो। किसके बच्चे हो? जरूर भूतनाथ के बच्चे होगे। अरे भूतनाथ के बच्चे होगे नहीं? भूतनाथ के बच्चे। लेकिन उस भूतनाथ में कौन प्रवेश करता है? वो प्रवेश करता है जो सब भूतों को नाथने वाला है, प्रैक्टिकल में बनता है, उसकी पहचान देता है, उसकी पहचान देता है पूरी पूरी। तो समझ में आता है कि वो एक मुकर्रर रथ है, और वो जब भगवान की कथा सुनाता है, सुनाता है ना, हाँ बहुत कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, घर घर में गाई जाती है, भारत में सत्यनारायण की कथा गाते हैं, अमरनाथ की कथा गाते हैं, तीसरा नेत्र खुलने की कथा गाते हैं, तीजरी की कथा। तो वो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। अरे चित्र में ही देख लो, क्या कोई कोई सतयुग में कहां है बाबा का चित्र? है बाबा का चित्र है ना सतयुग में? सतयुग में है क्या बाबा का चित्र? अरे बताओ, सतयुग के जो देवताएं हुए वहां सतयुग में बाबा का चित्र है? हाँ? अरे है कि नहीं? अरे है? नहीं है? अच्छा
सतयुग में कहां से होगा, सतयुग में तो देवताएं होते हैं, है? सतयुग से पहले जब संगम युग था, पुरुषोत्तम संग, कलयुग भी था और सतयुग भी था, दोनों का मेल था जब तक 100 साल के पुरुषोत्तम संगम युग में, तो अंतिम घड़ी तक भी वो शिव बाबा जो त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, शंकर के रूप में, वो था सतयुग में, वो सतयुग में नहीं होता, वो कहां होता है, उस संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में होता है बाबा का चित्र, चैतन्य भी होता है और जड़ चित्र भी होता है। ओम।